नमस्कार दोस्तों, रियलमी ने आज उनका एक रियलमी 7 आई जो मिड रेंज वाला फ़ोन है वो लॉन्च कर दिया है मार्केट में। कैप्चर शार्पर प्ले स्मूदर ऐसे बोला इन्होंने। तो 12,000 से लेकर 13,000 के रेंज में आने वाला ये फ़ोन है। तो देखते हैं क्या क्या रियलमी ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है इस फ़ोन के साथ। इसका फर्स्ट सेल आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 16 अक्टूबर को, इसका फर्स्ट सेल आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए अगर आपका बजट 12,000 से 13,000 के बीच में बैठता है। तो देखते हैं क्या क्या स्पेसिफिकेशन इन्होंने प्रोवाइड की है। 64 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा प्रोवाइड किया है इन्होंने फर्स्ट इन सेगमेंट। ऑब्वियसली 13,000 के रेंज में ऐसा नहीं मिलता था पहले। 90Hz का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले मिलेगा आपको। 5000 mAh का बैटरी मिलेगा 18 वाट के क्विक चार्ज के साथ। स्नैपड्रैगन 662 मोबाइल प्लेटफॉर्म मिलेगा। 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिलेगा और इंस्टेंट फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा जो कि बैक साइड में एलोकेटेड है। तो चलिए बात करते हैं कैमरास की। कैमरा में इसमें कैप्चर शार्पर ऐसे बोला है इन्होंने। 64 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा सेटअप जो आता है उसमें सेकंड जो अल्ट्रा वाइड लेंस जो है वो 119 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है। 4 सेंटीमीटर का मैक्रो लेंस प्रोवाइड किया है और ब्लैक एंड व्हाइट लेंस भी इन्होंने प्रोवाइड किया है। इसी के साथ में इसमें अल्ट्रा 64MP का मोड भी मिलेगा आपको, जिसमें एक बड़े से रेजोल्यूशन में आप फोटो निकाल सकते हो जो F1.8 के लार्जर अपर्चर के रहते बहुत अच्छे से, और क्लीन और क्रिस्प फोटोज आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा का इन्होंने इंक्लूजन कर दिया है, उसकी वजह से नाइट फिल्टर्स अवेलेबल हो गए हैं, सुपर नाइट्स के भी इसमें अवेलेबल है। उसी के साथ में इन्होंने एक सिनेमा मोड भी प्रोवाइड किया है और UIS मैक्स वीडियो स्टेबलाइजेशन भी इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें देने का कोशिश किया गया है। सुपर नाइट स्केप मोड दिया गया है जहाँ पे आप नाइट का जो ब्रिलियंस है वो आप इजीली कैप्चर कर पाओगे। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जो नाइट सिटी लाइट्स है वो सारी किस तरीके से कैमरा में कैप्चर की जाती है। उसी के साथ ही उन्होंने कुछ फिल्टर्स भी प्रोवाइड किए हैं, नाइट फिल्टर्स। जैसे आप देख पा रहे हो ये फ्लेमिंगो नाम का फिल्टर यहाँ पे प्रोवाइडेड है, जहाँ पे रात में एक ब्लू और रेड टिंट में आपको पूरा जो भी आप फोटोज निकालेंगे वो ऐसे फ्लेमिंगो मोड में आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ और मोड भी दिए इन्होंने, जैसे आप देख पा रहे हो साइबर पंक नाम से भी एक मोड दिया है, जो जैसे आप देख पा रहे हो पूरा सिटी जो है वो यहाँ पे इल्यूमिनेटेड दिख रहा है आपको, नाइट इल्यूमिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये सेकंड मोड इन्होंने प्रोवाइड किया है नाइट फिल्टर में, और एक मॉडर्न गोल्ड नाम से भी एक प्रोवाइड किया गया है। तो थोड़ा गिमिक भी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है कि नाइट में इतना फोटोग्राफी कौन करता है, लेकिन अगर आप करते होंगे तो प्लीज़ आप ये तीनों भी फिल्टर्स ज़रूर चेकआउट कीजिए और मुझे बताइए कि आप नाइट में ज़्यादा फोटोज़ खींचते हो क्या। 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा भी इन्होंने प्रोवाइड किया है, ऑब्वियसली AI ब्यूटी मोड के साथ में भी आता है, और बोके मोड भी इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो फ्रंट कैमरा में बोके मोड जो प्रोवाइड किया है ऑब्वियसली AI फिल्टर्स से ही किया गया होगा। उसी के साथ इन्होंने बोला कि UIS का मैक्स वीडियो स्टेबलाइजेशन मिला है आपको इसमें। ये जो है वो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड AI बेस्ड वीडियो स्टेबलाइजेशन है, ये ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, लेकिन इतने कम रेट में हम ज़्यादा कुछ डिमांड भी नहीं कर सकते। 90Hz का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले मिलेगा आपको। 60Hz से 90Hz मुझे लगता है बहुत अच्छे से स्मूथ परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। 50% इंक्रीज रहेगा आपका नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकंड में भी, और 90Hz का डिस्प्ले जो है वो ज़्यादा बैटरी भी हीटअप नहीं करेगा 120Hz जैसा, तो 90Hz इज़ वेरी गुड। उसी के साथ इन्होंने पंच होल डिस्प्ले प्रोवाइड किया है, 6.5 इंच का जो डिस्प्ले साइज है उसमें आपको पंच होल डिस्प्ले मिलेगा, और 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो एक 6.5 इंच का स्क्रीन साइज मुझे लगता है आजकल एक न्यू नॉर्मल हो गया है, हर कोई कंपनी उतना ही डिस्प्ले देने का कोशिश कर रही है। 5000mAh का बैटरी इन्होंने मैसिव बैटरी प्रोवाइड किया है। उसी के साथ में 18 वाट का क्विक चार्ज भी इन्होंने सपोर्ट में दिया है, जो आपको बॉक्स में या आपको चार्जर प्रोवाइड किया रहेगा। तो 5000mAh का बैटरी आपको आराम से 2 दिन का स्टैंड बाय देगा। उसी के साथ में इन्होंने सॉफ्टवेयर फीचर्स की बात करें तो सुपर पावर सेविंग मोड भी इन्होंने प्रोवाइड किया, जो 5% चार्ज रहेगा उसमें आप ऑलमोस्ट 1 घंटे तक व्हाट्सअप यूज़ कर सकते हो, ऐसे ये क्लेम कर रहे हैं। रियल टाइम सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है, पर ये जो क्लेम्ड फिगर है वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। प्रोसेसर की बात करते हैं, स्नैपड्रैगन का 662 मोबाइल प्लेटफॉर्म इन्होंने प्रोवाइड किया, 11 नैनोमीटर के ऊपर बैठा ये ऑक्टोकोर का CPU है, 2 GHz तक ये क्लॉक होता है। तो अच्छी चीज़ है कि इतने कम रेट में भी इन्होंने स्नैपड्रैगन का 600 सीरीज का प्रोसेसर प्रोवाइड किया, जिसका एंटीटू स्कोर आप देख पा रहे हो 1,85,464 के आसपास इसका स्कोर जाता है। तो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है तो लॉन्ग टर्म चलेगा ये, तो इसके लिए एक बिग थम्स अप फॉर रियलमी। इसी के साथ में बात करते हैं, 2 कलर्स में आता है ये, फ्यूजन ग्रीन और फ्यूजन ब्लू, ऐसे 2 कलर्स में आता है। इसमें का फ्यूजन ग्रीन कलर मैंने यहाँ पे दिखाया है, आप देख पा रहे हो सटल कलर लगा है मुझे, कुछ लाइटिंग लाइट शेड्स आपको ऊपर से नीचे तक फ्लो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो जैसे ही लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा तो और अच्छे से एम्बियंस में दिखने में
दिखने का कोशिश करेंगे। इंस्टेंट फिंगरप्रिंट सेंसर भी इन्होंने प्रोवाइड किया है बैक साइड में, जैसे आप देख पा रहे हो 0.3 सेकंड्स में आपका इंस्टेंट अनलॉक करके देगा फोन आपका, तो ये एक वेलकमिंग चेंज है बैक साइड में प्रोवाइड किया है। उसी के साथ में इन्होंने रियलमी यूआई सीमलेस बन करके बोला है, तो रियलमी यूआई पे भी रियलमी ने बहुत सारा काम किया है, तो कुछ अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की है, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए रियलमी यूआई के ऐप। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे टेक विशो यूट्यूब चैनल को। आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा नए नए ऐसे वीडियो डेली बनाने के लिए। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए फ्रेश एपिसोड के साथ टुमारो, तब तक यू गाइज टेक केयर, बाय बाय।